भारत के कोने कोने से यहाँ पर पधारे मजदूर वर्ग और अर्ध सरकारी लोग यहाँ पर बहुत तादाद के अंदर आए, और नागपुर से हमारे बीच में कुछ साथी हैं, युवा साथी हैं, और पूरा संगठन के साथ आए हैं। आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं कि इनकी क्या समस्या है जो ये भारत की राजधानी दिल्ली के संसद मार्ग तक आए। आपका नाम? मैं जयंत आसोले, महामंत्री भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ नागपुर उमरेड। आपकी क्या समस्या है, आप किन समस्याओं को लेकर आए हैं? समस्या एक गिर रहे तो गिना है, कई समस्याएं हैं। जैसा हो गया लेबर रिफॉर्म्स जी, जो लेबर रिफॉर्म बिल्स में इनके अमेंडमेंट्स हो रहे हैं जी, वो सबसे मेन मुद्दा हमारा है। उसके बाद नीति आयोग, नीति आयोग में हमारा संघ ने यूनियन का रिप्रेजेंटेशन, किसानों का रिप्रेजेंटेशन, ये सब मुद्दे लेके, और बहुत से मुद्दे हैं जो ये मोदी सरकार जिसपे विचार नहीं कर रही, इसके लिए हमको नागपुर से लेके यहाँ तक आना पड़ा। लेकिन मोदी सरकार तो कहती है कि सबका साथ सबका विकास, अब सरकार का कहे वो नारा तो ऐसा हो गया सबका साथ अपना विकास। अब नारा तो उन्होंने दिया सबका साथ सबका विकास, लेकिन हमको तो लग रहा है कि सबका साथ कुछ लोगों का विकास हो रहा है उसमें। कुछ लोगों का? ऐसे कौन से लोग हैं जिनका विकास हो रहा है? वो तो आपको भी मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है, अब बताने की जरूरत नहीं मेरे को। आप मीडिया में जब काम कर रहे हैं तो हमसे ज़्यादा तो आपको मालूम है कि किन लोगों का विकास हो रहा है। नहीं, आपको तो ये भारत ही नहीं, आपको विदेश भी देख रहा है, तो विदेश को पता तो लगे कि आम पब्लिक किसका विकास हो रहा है। नहीं देखिए, ये सरकार जब से आई है, ये सरकार में गरीब गरीब होते जा रहा है और अमीर अमीर होते जा रहा है। लेकिन सरकार और तो सरकार में जो सरकार चला रहा है वो हम समान हमारे समान जो मजदूर जिनका टैक्स कटता है वो चला रहा है। ठीक है, सरकार बोल रही है सबका साथ सबका विकास, लेकिन हमें तो नहीं लग रहा कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है। क्योंकि रोजगार आज जिस इनके मैनिफेस्टो में था कि हम इतने लोगों को, इतने करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, वो भी आज पूरा नहीं होते हुए दिख रहा है हमको। और मैंने हमारा जो लेबर रिफॉर्म्स में ये कुटाराघात कर रहे हैं उसको लेके हम पुरजोर, जैसे हमने 2014 में इस सरकार को लाया था, अगर ये सरकार अभी भी नहीं जगी इतना विशाल प्रदर्शन देख के, तो 2019 में क्या हर्ष होगा ये सोच लेना चाहिए। ये खतरे की घंटी शुरू हो गई है। कोल ब्लॉक भी था उसमें, एक जो कोल ब्लॉक अलॉटमेंट किया था सरकार ने, आज जितने कोल ब्लॉक अलॉटमेंट किया है सरकार ने, उस कोल ब्लॉक में से हार्डली 5% कोल ब्लॉक चला पा रहे हैं। बाकी जो कोयला आज निकल रहा है उद्योग में वो सरकारी मजदूरी निकाल रहा है। इसलिए ये प्राइवेटाइजेशन, इसका डिसइन्वेस्टमेंट जो सरकार करने जा रही है गलत है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। सर, अभी नौजवान सचिन ने बोला है कि जो सबका साथ सबका विकास, और इन्होंने मीडिया को भी इसमें लिया कि आप लोग, सब लोग जानते हैं आप एज हो चुकी है, कि सर ये आज का जो वातावरण है इस पर आप कोई प्रकाश डालें। अजी क्या है सर, आप अपना पहले नाम बताएं। देवेंद्र पांडे, ऑल इंडिया सेक्रेटरी भारतीय मजदूर संघ जी, डिप्टी इंचार्ज माइनिंग सेक्टर। ये कोयला भी मेरे अंतर्गत आता है, और आज के जो परिवेश है, सबसे बड़ी चीज़ है कि आज 70 साल पहले जो हम सुनते थे गरीबों का उधार यानी गरीबी मिटाओ सबका विकास, आज भी वही सुन रहे हैं। तो 70 साल से लेकर के और आज तक हम नहीं कहते हैं कि 3 साल में क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन जो 70 साल से आ रहा है, चलते आ रहा है, इनकी सरकार आई, सारे लोगों की एक उम्मीद बंधी थी, उसमें सुधार क्यों नहीं हो रहा है, नंबर एक। नंबर दो क्या है कि आज ये सरकार कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट्स के चंगुल में है। नीति आयोग में जो लोग भी बैठे हुए हैं, जो श्रम के लेकर के या श्रमिकों के से संबंधित कुछ भी अगर सजेशन देते हैं, तो वह सजेशन ये चूँकि जमीन से जुड़े हुए नहीं है, इनके बारे में उनको जानकारी नहीं है, वो कहीं से कुछ नहीं, वो गलत गुमराह करते हैं, गलत सजेशन देते हैं, और वो जो भी सजेशन देते हैं वो कहीं ना कहीं IMF या वर्ल्ड बैंक या मल्टीनेशनल कंपनियों के इशारे पर वो देते हैं।
जिसके चलते आज हमको उनके खिलाफ यहाँ खड़ा होकर के इतना बड़ा जन सैलाब ले करके उनका विरोध करना पड़ा है कि नीति आयोग में श्रमिकों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। हम बताएंगे कि क्या होगा। सर, योजना आयोग को इन्होंने नीति आयोग बना दिया, मतलब इन्होंने डिपार्टमेंट चेंज कर दिया, लेकिन जो इन्होंने व्यवस्था चेंज करनी थी वो व्यवस्था चेंज करने में आपके कहने के अनुसार वो नहीं हो पा रहा है। यही तो कह रहे हैं कि कुछ भी हो, हम कहते हैं नाम बदलने से नहीं होता है। नाम बदलने के साथ साथ उसमें जो सिस्टम है, सिस्टम को बदलना चाहिए और उस सिस्टम को और मजबूत करने के लिए क्या करना है वो सबसे बड़ी चीज़ है। कि अपने यहाँ क्या है कि कोई भी नीति अगर तय करना होता है, राष्ट्रीय नीति, तो उसमें सिर्फ पब्लिकली माने ये पॉलिटिकली माने लोग बैठ करके तय करें ऐसा नहीं। वहाँ पर पॉलिटिशियन भी रहना चाहिए, समाज सुधारक भी रहना चाहिए, समाज के बुद्धि वर्ग भी रहना चाहिए, आपके पत्रकार बंधु के भी जो वरिष्ठ एडिटर वगैरह हैं उनको बुलाना चाहिए। ये सारे लोगों को ले करके करना चाहिए। सिर्फ हम अकेले सोचेंगे कि हम देश चलाने के लिए बना रहे वो सही नहीं हो सकता है। इसीलिए नीति आयोग का हम विरोध कर रहे हैं कि नीति आयोग में अभी भी कुछ ब्यूरोक्रेट्स का ही प्रतिनिधित्व चलता है, बाकी लोगों का नहीं है। सर, अगर ये आज चूंकि समय हो गया है डेलीगेशन जाना है। सर, जैसे कि आज आपने इतना बड़ा सैलाब दिखाया, अगर आपकी बात तो आज जो आप जा रहे हैं बात करने के लिए, आपको अगर बात संतोषजनक नहीं मिलती तो अगला कदम क्या होगा? नहीं नहीं, वो अगला कदम क्या होगा ये तो हम अभी भी बोलते हैं, सारे लोग आंदोलन दे रहे थे कि ये तो अभी अगड़ाई आगे और लड़ाई है, आगे और हम आगे जा सकते हैं। थैंक यू सर।